Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education welcome to the daily current affairs of 11th of August 2021 तो गाइज़ आज है तारीख 11 अगस्त 2021 और है वेडनसडे आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नाउ बढ़ते हैं आगे तो गाइज़ शुरुआत करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन के साथ मोटिवेशन क्या बोलता है द मोर यू अर्न द मोर यू लर्न देखो ये बात मैं हमेशा से ही बोलता वाया हूँ कि आप लोगों को रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखना है कुछ ना कुछ नया करना है लाइफ के अंदर हमेशा जब रात होने से पहले ये याद रखना कि हाँ कंपेयर करना मेरा पिछला दिन और आज का दिन क्या पिछले दिन के कंपैरिजन में मैंने आज के दिन कुछ नया किया है नहीं किया है तो सोने से पहले आपको कुछ नया ज़रूर सीखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डे बाय डे बढ़ती रहेगी दूसरी चीज़ मैं हमेशा यह बोलता वाता हूं मिस्टेक को लेकर अगर आपने पिछली कोई मिस्टेक करी है तो देखो आप लोग आने वाले टाइम पर मिस्टेक करोगे ऑब्वियसली बातें मिस्टेक सबसे होती रहती हैं हज़ारों मिस्टेक करो कोई मना नहीं कर रहा लेकिन यहां पर चीज यह है कि जो आपने पहले मिस्टेक करी है उस मिस्टेक को कभी भी नहीं दोहराना है कितनी मिस्टेक करोगे ठीक है हजारों मिस्टेक करो लेकिन इसमें क्या करना है कि जो पहला आप लोग मिस्टेक कर चुके हैं उस मिस्टेक को कभी भी दोहराना नहीं है इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी बहुत आगे यहाँ पर जाने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आपके अंदर देखने को मिलेगी बहुत कुछ नया सीखने को देखने को मिलेगा आपके लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जब ये सब कुछ होगा तो द मोर यू अर्न अर्न के अंदर अगर हम बात करें सिर्फ मनी की बात ही नहीं होती है मतलब पैसे की ही बात नहीं है बहुत कुछ आप लोग अर्न करने वाले हो और मनी के साथ साथ यहाँ पर बहुत कुछ भी ज़िंदगी देगी अगर यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोग चलते हैं तो नाउ गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के वीडियो में सारे आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं ये सारे आर्टिकल यूपीएससी और स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिसाइड करे गए हैं और सारे आर्टिकल अलग अलग जगह से लिए गए हैं जैसे कि कोई इंडियन एक्सप्रेस से लिया है कोई द हिंदू से लिया है कोई पी से लिया है तो आप लोगों को मैं आगे सोर्सेस भी दिखाता हुआ चलूंगा तो जो यह पहला आर्टिकल है उसमें हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ये चर्चा में है क्यों है चर्चा में ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है आर्टिकल आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे कस्टोडियल वायलेंस के बारे में अभी हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने बोला बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है कस्टडी के अंदर मतलब पुलिस वालों ने उन्हें उन्हें कस्टडी में लिया जेल के अंदर इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कस्टोडियल वायलेंस एक सबसे बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो थ्रेट है उसके बारे में चर्चा किया गया है देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो सॉरी थर्ड आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेक बाइट के बारे में चर्चा हो रही है भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर सांप के काटने से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है तो इसके बारे में इस रिपोर्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है देन उसके बाद इकोनॉमिक के पर्स्पेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है डैम रिहेबिलेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में अब यहां पर देखो इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ और बहुत हैवी अमाउंट का जहां पर इंडिया अपने जो डैम्स है बांध है उनको इंप्रूव किया रहेगा उनको रिहेबिलेट करेगा ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम किसान के बारे में चर्चा हो रही है ये पीएम किसान अभी पिछले दो दिनों पहले न्यूज़ में था यह क्यों था न्यूज़ में क्या है एग्जैक्टली क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरकार फायदे प्रोवाइड करवा रही है उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे देन लास्ट के दो आर्टिकल ये शॉर्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी आप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा क्या होता है और ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये प्लेस कहाँ पर है मैप में अच्छे से देखेंगे और क्योंकि ये यहाँ पर क्या है जंगलों में आग लग चुकी है उसकी वजह से ये चर्चा में देखने को मिल रहा है तो बढ़ते हैं आगे जो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है वो आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और हिस्ट्री आपका कहाँ पे आता है जीएस पेपर वन के अंदर आपको ये हिस्ट्री का सिलेबस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर चर्चा में है क्विट इंडिया मूवमेंट अब ये क्यों है चर्चा में मैं आपको दिखा देता हूं ये आर्टिकल पीआईबी का है पीआईबी का स्क्रीनशॉट है न्यूज में क्यों है क्योंकि यहाँ पे 8 अगस्त 2021 को हुआ क्या है भारत ने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे, पूरे पूरे 79 नाइन ईयर्स किस चीज़ के क्विट इंडिया मूवमेंट के 79 नाइन ईयर्स पूरे हो चुके हैं 8 अगस्त को जो कि अभी निकला है और इस मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को और ये अगस्त 2021 से एक तरीके से जो भी अगस्त का महीना होता है इसी वजह से इसको अगस्त क्रांति बोला जाता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आठ अगस्त को अभी सेवेंटी नाइन पूरे हुए हैं ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे हम लोग पहले चलते हैं इतिहास में 8 अगस्त 1942 की बात है जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया अभी जो क्विट इंडिया मूवमेंट है लॉन्च किया गया था ताकि जो ब्रिटिश का यहाँ पे रूल था एक तरीके से अंग्रेजों का रूल था उसको ख़त्म किया जा सके ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जा सके उस वजह से इसको लॉन्च किया गया और एक तरीके से आप कह सकते हो जब इसको लॉन्च किया गया था तब एक सेशन चल रहा था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मुंबई के अंदर तभी इसको लॉन्च किया गया गांधी जी ने एक स्पीच दी और स्पीच के अंदर यहाँ पर एक सेंटेंस बोला डू और डाई करके करो या मरो वाली सिचुएशन है आज के टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को भगाना पड़ेगा ऐसा यहां पे स्पीच के अंदर बोला गया अब जो ये स्पीच है कहाँ पे दी गई थी वो दी गई थी गोवालिया टैंक मैदान के अंदर और ये जो मैदान है ना इसको आज के टाइम पर अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जैसे कि अरुण अशफ़ अली इनको यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है इन पर्सनैलिटी को और यहाँ पर इनका नाम क्यों है क्योंकि इन्होंने भारत का जो झंडा है उसको लहराया था इसी गो ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर उसके बाद यहाँ पर एक स्लोगन था क्विट इंडिया वाला ये क्विट इंडिया का जो स्लोगन है ये दिया गया था किसके द्वारा यूसुफ महराली के द्वारा तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जा सकती है अब बात करते हैं इसके पीछे के मेन कॉज क्या थे पहला कॉज यह है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन देखो यहाँ पर एक इमीजिएट कॉज बताया जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट का वो है कि जो क्रिप्स मिशन है वो कॉलेप्स हो चुका था अब ये क्रिप्स मिशन क्या था तो मैं आपको बता देता हूँ एक पर्सन थे जिनका नाम है स्टैनफोर्ड क्रिप्स ठीक है अब यहाँ पर क्या है जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे एक तरीके से इनके अंडर में एक मिशन था यहाँ पे सेंड किया गया भारत के अंदर एक तरीके से इन आप कह सकते हो स्टैफोर्ड क्रिप्स को ही यहाँ पर सेंड किया गया था भारत के अंदर तो ये जो मिशन है इनके नाम पे रखा गया क्रिप्स मिशन एक तरीके से जो मिशन है इसको भारत के अंदर क्यों भेजा गया था ताकि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर बहुत सारे विवाद थे उनको एक तरीके से सुलझाया जा सके क्योंकि भारत चाहता था कि हमारे पास ए, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो नया संविधान हो हमारी खुद की गवर्नमेंट हो हम लोग ये सारी चीज़ें चाहते थे अब यहाँ पर ये जो पूरा क्रिप्स मिशन है ये कॉलेप्स क्यों हुआ इसके पीछे के रीज़न क्या है देखो ये फेल हुआ क्योंकि यहाँ पर इंडिया को ये कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे पाया इंडिया को ये डोमेनियन स्टेटस दे रहा था एक पूरी तरह से फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करवा रहा था लोगों ने खूब जमकर एक तरीके से बवाल किया अभी क्या बवाल किया था वो आगे हम डिस्कस करेंगे देन उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी और उसके बाद आप कह सकते हो कि दूसरा सबसे बड़ा कॉज ये देखने को मिला कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे ये लोग वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स थे ये लोग क्या कर रहे थे कि इंडिया के सोल्जर्स को इन्वॉल्व कर दिया कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर लड़ेगा और बिना किसी कंसल्टेशन के जो भी हमारे लीडर्स है उनसे बातचीत तो करनी चाहिए थी बिल्कुल भी कोई बातचीत बातचीत हुई नहीं और क्या करा गया और यहां पर इन्वॉल्वमेंट कर दिया इंडिया का कि हां भाई वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इंडिया इन्वॉल्व रहेगा ऐसी यहां पर सारी चीजें बोली गई थी उसके बाद आप कह सकते हो तीसरा कॉज ये था एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जाग चुका था सभी के अंदर लोग चाहते थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिले लोग जो है यहां पर इकट्ठा हो रहे थे साथ में लोग इकट्ठा होकर अब यहां पर मांग करने लगे थे कि हम लोगों को अपना इंडिपेंडेंस चाहिए हमारी खुद की कंट्री चाहिए हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमारा खुद का नया संविधान चाहिए उसके बाद क्या हुआ था एक दिक्कत यह भी हो रही थी जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं जो जरूरत वाले सामान थे वो सब शॉर्टेज हो रहे थे क्यों वर्ल्ड वॉर के टू के रिजल्ट्स के दौरान यहां पर इसके जो परिणाम थे वो काफ़ी बुरे थे एसेंशियल कॉमोडिटीज़ का, का काफ़ी बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला बहुत ज्यादा कम हो गए थे लोगों की डिमांड क्या थी लोगों की बस एक ही डिमांड थी टू एंड द ब्रिटिश रूल भारत के अंदर से ब्रिटिशर्स का जो रूल है शासन इसको पूरी तरह से ख़त्म करना और यहां पर इनको हटाना ये एक ही डिमांड थी सभी लोगों की उसके बाद आप कह सकते हो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसके

पुणे के अंदर यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो इनको अरेस्ट कर लिया गया और भी बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था ठीक है ये चीज़ यहाँ पे पहले फेज़ में देखने को मिली इस मूवमेंट के मतलब बहुत बवाल क्रिएट होना चालू हो चुका है लोगों के अंदर भड़क चुका है आग कि हमें अब इंडिपेंडेंस चाहिए लोगों ने बवाल करना चालू कर दिया है अब सेकंड फेज़ की बात करें तो सेकंड फेज़ में ये तो अभी छोटे लेवल पर था ये तो अभी अर्बन रिवॉल्व था अब ये पूरे देश भर में रिवॉल्व फैल गया लोगों ने क्या करना चालू कर दिया कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ने चालू कर दिया रेलवे ट्रैक स्टेशन टेलीग्राफ वायर्स पोल्स इन सब चीज़ों के ऊपर अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया सब तोड़फोड़ मचा दी और भी बहुत सारे जो कॉलोनियल अथॉरिटी के सिंबल थे जो भी विजिबल थे सब के ऊपर अटैक किया ये सारी चीज़ें देखने को मिली मतलब अब क्या था ब्रिटिश के अंडर में जो यहाँ पर इंडिया है वो बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो अब गवर्न नहीं हो पा रहा था ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं फिर उसके बाद जो थर्ड फेज़ था लास्ट फेज़ यहाँ पर देखने को मिला कि चाहते थे एक नेशनल गवर्नमेंट को बनाना ठीक है पैरल गवर्नमेंट होनी चाहिए ये सारी चीज़ें देखने को मिली है लोगों ने खूब जमकर बवाल किया है और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पर सॉल्व होती भी आई भारत के लिए और यहाँ पे अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए क्या क्या सक्सेस था सबसे पहला सक्सेस ये देखने को मिला बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स का यहाँ पे जन्म होता हुआ नजर आया बहुत सारे लीडर्स उभरते हुए नज़र आए बहुत सारे लीडर्स ने पार्ट लिया इसके अंदर जैसे राम मनोहर लोहिया जे नारायण अरुण असैफ अली बीजू पटनायक सुचेता कृपालानी ये सारे लोग एक प्रोमिनेंट लीडर्स की तरह निकल कर आए इन्होंने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया इन सब चीज़ों के अंदर और आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस के अंदर कहीं ना कहीं इनका योगदान रहा और उसके बाद वेमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो वेमेन ने पार्टिसिपेशन चालू किया अपना मूवमेंट के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर सारी वेमेन पार्टिसिपेट करने लगी फीमेल लीडर्स जैसे कि उषा मेहता हो गई इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है लोगों को यहाँ पर जगाया है इस मूवमेंट को लेकर कि हमें खड़ा होना पड़ेगा हमें अपने देश की एक इंडिपेंडेंट को लेकर मांग करनी पड़ेगी उसके बाद जो है नेशनलिज्म का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़ता हुआ नज़र आया अगर हम बात करें लोगों के अंदर भाईचारा का जो एक तरीके से फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर ड्रॉप आउट कराया स्कूल्स कॉलेजेस लोगों ने जो है अपनी जॉब्स छोड़ दी लोगों ने बैंकों से मनी विड्रॉ करना चालू कर दिया ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली थी तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट वर्क करता हुआ नजर आया और आप कह सकते हो कि ये काफी सारी इसकी सक्सेस बताई गई है ठीक है यहाँ पे आप कह सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट एक तरीके से क्रैश कब हुआ इसको क्रश किया गया था 1944 में और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था ब्रिटिश कह रहे थे हम लोग एक एकदम से इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते जब तक यहाँ पर यह वॉर ख़त्म नहीं होती है वॉर जैसे ख़त्म हो गई वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो उसके ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पर इंडिपेंडेंस दे सकते हैं ऐसा है यहाँ पर बोला गया फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स की ये वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इतनी बुरी खस्ता हालत हो गई इतनी बुरी हालत हो गई कि उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ इंडिपेंडेंस देना ही पड़ा ठीक है फिर उसका ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी बट यहाँ पर हमने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट के बहुत कुछ यहाँ पे फायदे एक तरीके से सक्सेस देखने को मिली बट यहाँ पर कुछ फेलियर भी हैं इस मूवमेंट के फेलियर क्या है एक ब्रूटल रिप्रेशन हुआ मतलब निर्दयी तरीके से बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिली हिंसा के रूप में जो ब्रिटिश ब्रिटिश पीपल थे इन्होंने लोगों को शॉर्ट करना चालू किया लोगों को मारा लाठी चार्ज किया गांवों को जला दिया और बहुत महंगे महंगे बहुत बड़े बड़े जो फाइन है वो इम्पोज कर दिया इनके ऊपर लगभग एक लाख लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया और आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी इस इंडिया मूवमेंट की वजह से क्योंकि लोग जो है सड़कों पर उतर आए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे अब क्या है लोगों को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज और ये सारी चीज़ें करी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा उसके बाद यहाँ पर दूसरा आप कह सकते हो फेलियर क्या है इस क्विट इंडिया मूवमेंट का लैक ऑफ सपोर्ट पे क्या है ना सपोर्ट तो देखो फिर भी था लेकिन मतलब जैसा सपोर्ट होना चाहिए था पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं था एक साथ इस क्विट इंडिया मूवमेंट को क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अलग थी मुस्लिम लोग जो है इस ब्रिटिश आप कह सकते हो ब्रिटिश लिविंग इंडिया के फॉलोइंग एक तरीके से को फेवर ही नहीं करती थी क्विट इंडिया मूवमेंट को फॉलो फेवर ही नहीं कर रही थी मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग का मानना यह था कि देखो कि एक तरीके से पार्टीशन हो जाए एक कंट्री अलग से पाकिस्तान बसा दिया जाए उसके बाद जो करना है करते रहो ठीक है तो यहाँ पर ये यह लोग फेवर नहीं कर रहे थे एक तरीके से इस इंडिया मूवमेंट को उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करती थी ठीक है तो यहाँ पर इनका भी कोई मतलब नहीं उठा उसके बाद जो हिंदू महासभा है ये लोग भी पूरी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज कर रहे थे इनका कहना यह था कि इंडिया के अंदर इस मूवमेंट की वजह से इंटरनल डिसऑर्डर काफी बढ़ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी को काफी खतरा है तो इन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं करा तो लैक ऑफ सपोर्ट देखने को मिला अगर ये लोग भी पूरी तरह से सपोर्ट करते तो हम लोग इन चीजों को जल्दी से लागू कर पाते ओके आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा नाउ जो सेकंड आर्टिकल है वो आपका पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इंपॉर्टेंट होगा बहुत जबरदस्त आर्टिकल है कस्टोडियल वायलेंस इज बिगेस्ट थ्रेट और यह स्टेटमेंट दिया गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कस्टडी में इस तरीके से वॉयलेंस होता है यहाँ पर क्या है किसी व्यक्ति को इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है मारा जा रहा है पीटा जा रहा है और यहाँ पर क्या होता है उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है ये बहुत कुछ बढ़ चुका है और इससे क्या हो रहा है इस व्यक्ति के जो ह्यूमन राइट्स है उसका वॉयलेसन हो रहा है इसके पास बहुत सारे अधिकार हैं उसको यहाँ पर उसका हनन करता होता हुआ नजर आ रहा है यह आर्टिकल आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और यहाँ पर थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स इज द हाइएस्ट इन पुलिस स्टेशन ये स्टेटमेंट दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा न्यूज में क्यों है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पे बोला गया है कि देखो जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके लिए सबसे जो बड़ा खतरा है वो है कस्टोडियल टॉर्चर वो आज के टाइम पर कस्टडी के अंदर जो पुलिस वाले टॉर्चर कर रहे हैं वो सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन राइट्स के लिए और ये सारी बातें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके द्वारा बोली गई थी लेकिन कब बोली गई जब यहाँ पर एक इवेंट चल रहा था और इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है लीगल सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही साथ जो विजन और मिशन स्टेटमेंट है इसको फॉलो करते हुए जो नालसा लीगल सर्विस है फॉलो करते हुए यहाँ पर एक इवेंट चल रहा था उसी दौरान यहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है अब ये जो नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये जो नालसा है इसको बनाया गया था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर में जो कि वर्किंग में आया कब 1995 के अंडर में ये देखने को मिला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरीके से जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से चेयरमैन है इस पूरे के पूरे अथॉरिटी के और यहाँ पर इस अथॉरिटी का मेन काम यही है जो भी वीकर सेक्शन वाले लोग हैं सोसाइटी के अंदर उनको फ्री में जो है वो लीगल एड प्रोवाइड करवाना उनको फ्री में अगर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना उनको जस्टिस मिल जाए इक्वल अपॉर्चुन को फॉलो करना ये मेन काम इस ऑथोरिटी का रहता है ओके okay, देन उसके बाद नव अब यहां पर विजन और स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा था तो यहां पर इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है देखो यहां पर इसका मेन काम यही है कि जो भी एक्से ग्रुप्स हैं बहुत ज्यादा वीकर सेक्शन की सोसाइटी है उनको एक तरीके से पावर देना कि वो लोग क्या करें एक तरीके से उनको जस्टिस मिले फ्री में उनको लीगल एड मिले फ्री में उनको एडवाइस मिले उनके अवेयरनेस फैलाई जाए ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर मैंने ऑब्वियसली बात है दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया ये नालसा क्या है उसके बाद हम लोगों ने, ने यह भी जान लिया ये विजन एंड मिशन स्टेटमेंट क्या है उसके बाद जो लीगल सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको अभी लॉन्च किया गया है जिस दौरान हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया अब यहां पर ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है बेसिकली इसका मेन फोकस ये भी इसका भी फोकस भी वही रहने वाला है लीगल असिस्टेंस देना एडवाइस देना ऐसे लोगों को जो कि यहां पर इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ठीक है उनको यहां पर चीज़ें प्रोवाइड करवाना जो कि काफ़ी वीकर सेक्शन के अंदर आ रहे हैं तो उनको यहां पर फ्री में ये लीगल एड मिल जाए इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है नब अब हम लोग बात करते हैं कस्टोडियल वॉयलेंस के ऊपर जिसके ऊपर ये टॉपिक है कुछ डेटा बाहर आया है जो डेटा है वो दिया है एनसीआरबी के द्वारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इन्होंने बोला साल 2001 से लेकर साल 2018 के बीच में अगर हम बात करें छब्बीस पुलिसमैन यानी छब्बीस पुलिस वाले ही सिर्फ अपराधी साबित हुए हैं कस्टोडियल वायलेंस के रिगार्डिंग हालांकि जो डेथ हुई है ना दो और दो हज़ार अठारह में जो डेथ हुई है वो लगभग सत्रह डेथ हुई है जो कि यहां पर कस्टोडियल वायलेंस की वजह से हुई है लेकिन कितने सिर्फ और सिर्फ छब्बीस पुलिस वाले यहां पर कॉन्विटेड साबित हुए हैं मतलब यह डेटा भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहां पे इसके अंदर कमी देखने को मिल जाएगी ऐसा यहां पर देखने को मिला उसके बाद लगभग 4.3 परसेंट ऑफ द 70 डेथ इन द 2018 हुई है 2018 के अंदर काफी डेथ हुई है फिर उसके बाद यहां पर अलग

कहीं पर भी आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती मतलब यही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ये कस्टोडियल वॉयलेंस देखने को मिलता है कस्टोडियल डेथ के अलावा अगर हम बात करें लगभग 2000 से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वॉयेशन केसेस देखने को मिले हैं मतलब मानव का जो भी यहाँ पर राइट्स हैं उनके अधिकार हैं उनका यहाँ पर हनन हुआ है ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर भी लगभग 344 जो पुलिस वाले हैं इनको कन्वर्ट किया गया इनको दोषी साबित माना गया है इन केसेस के अंदर क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स का वॉयेशन किया है अब इसके पीछे का मेजर रीजन्स क्या है क्या कारण हो सकते हैं पहला तो है लैक ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि देखो इतना लीगल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा नहीं यानी कि देखो जो इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन होता है पुलिस स्टेशन के अंदर वो नहीं है जो पहला घंटा होता है अरेस्ट के बाद यहाँ पे उसी के अंदर पता चल जाता है कि हाँ यार ये जो एक तरीके से केस है वो किस बेसिस पर है ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जो ये लीगल रिप्रेजेंटेशन होता है इसकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर दूसरा रीज़न ये है कि जुडिशल प्रोसेस काफ़ी लंबे लंबे चल जाते हैं अब बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोसेस चल गया इसकी वजह से जो पुअर पीपल हैं ये काफ़ी हो जाते हैं मतलब इनको इधर उधर चक्कर काटना इतना पैसा बर्बाद हो जाता है ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं उसके बाद क्या है स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं है हमारे पास क्या है मतलब कि देखो आज के टाइम पर जो टॉर्चर है इसके खिलाफ जो एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन होना चाहिए था हमारे पास वो चीजें नहीं देखने को मिलेंगी तो ये चीजें हम लोग को लानी पड़ेंगी एंटी टॉर्चर यहां पर रूल्स लाने पड़ेंगे इसको यहाँ पर एक तरीके से जो कस्टडियल वॉयलेंस है इसको क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा अगर कस्टडी के अंदर ऐसा वॉयलेंस क्रिएट होता है तो उस व्यक्ति के प्रति जिसने ये वॉलेंस किया है कि यहाँ पर उसके प्रति स्टेप्स लिए जा सकें ऐसे यहाँ पर रूल्स लाने पड़ेंगे उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं मतलब कि जैसा जेल है जेल के अंदर ही बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं ट्रांसपेरेंसी इतनी बना के रखी नहीं जाती है सारी चीज़ें छुपा ली जाती हैं ठीक है ये तो यहाँ पर जो डेटा बता रहा है ये भी कुछ कमी चीज़ें और ज़्यादा ही होंगी जो कि बाहर आई नहीं होंगी तो डेटा कहीं ना कहीं हम लोग को कम ही देखने को मिलता है उसके बाद आज के टाइम पर और भी बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हुई नजर आती हैं जैसे कि आप कह सकते हो कि एक्सेसिव फोर्स देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर किन कम्युनिटीज को किया जाता है जो कि मार्जलाइज कम्युनिटी हैं जो कि वीकर सेक्शन के अंदर आती हैं पुअर पीपल हैं इनको सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा अमीर जो है वो तो बच के निकल जाता है आप लोगों ने देखा होगा यही चीज़ें तो होती हैं जो यहाँ पर अमीर है वो तो यहाँ पर बच कर निकल जाएगा पैसा वगैरह खिला के लेकिन क्या होता है जो कस्टडियल डेथ होती है वो यहाँ पर किसी बेचारे गरीब की देखने को मिल जाती है ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं आर्टिकल के अंदर फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है क्या हमारे पास कुछ लीगल प्रोविजन हैं तो देखो बिल्कुल है हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर है यानी कि आप कह सकते हो प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर एक तरीके से हमारे एक फंडामेंटल राइट right है क्योंकि हमारे पास आर्टिकल वन क्या बोलता है राइट टू लाइफ आर्टिकल बोलता है हमारे पास रहने का जीने का हक हाँ है आप टॉर्चर करके उस बंदे की जान ले ले रहे हो तो यह कहीं ना कहीं बिल्कुल अगेंस्ट हमारे संविधान के अगेंस्ट में जाता है उसके बाद हमारे पास राइट टू काउंसिल है ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो फंडामेंटल राइट right है तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बाद आप देख पाओगे सेक्शन फोर्टी देखने को मिलेगा सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इसको अमेंडमेंट किया गया था सॉरी टू के अंदर और इसके अंदर बहुत सारे सेफ डाले गए जैसे फोटी A, A, के अंदर फोर्टी वन बी फोर्टी बहुत सारी चीजें बहुत सारे रूल्स डाले गए कि देखो यहां पर बिना कोई रीजनेबल ग्राउंड के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो रीजंस होने चाहिए डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होना चाहिए अरेस्ट यहाँ पर होगा तो फैमिली को पता हो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इलेक्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन हो ये सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे संविधान में है लेकिन संविधान वाली चीजें इंप्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आएंगी संविधान के अगेंस्ट में सारी चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं ओके

सबसे ज़्यादा जान गई है लोगों की अगर हम बात करें सांप के काटने से तो फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है क्योंकि एक नई स्टडी करी गई है किसके द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये स्टडी करी गई इंडिया जो है एक हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नैक बाइट केसेस के अंदर आता है दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा सांप के काटने से मौतें होती हैं तो वो भारत के अंदर होती हैं उसके बाद आप कह सकते हो कि 50 परसेंट तक यहाँ पर जो केसेस है स्नेक बाइट के वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखने को मिल जाते हैं भारत से और उसके बाद स्नेक बाइट एन विनिंग मतलब इसका जहर है स्नेक का वो आप कह सकते हो उसको क्लासीफाई किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बोला गया कि ये एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है यानी कि इसको हम लोग ध्यान में ही नहीं रखते हैं हालाँकि बहुत खतरनाक है इससे इतने लोगों की जान जा रही है इसको हमें फोकस में रखना चाहिए स्नेक बाइट एन का इसमें मतलब यह है कि जो सांप है उसके काटने से जो है लोगों की मृत्यु हो जाना अगर हम बात करें एस ई यानी अभी जो मैंने आपको बताया ये एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जान को पूरी तरह से खतरा है अगर सही से स्टेप नहीं उड़ा सांप पर काटने के बाद हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं वो चीज़ें अच्छे से फॉलो नहीं की गई तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जान को बहुत बड़ा खतरा भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है और एक तरीके से ये चीज़ें तो अलग हैं सांप एक तरफ से काट लेता है दूसरा यहाँ पर जो सांप है अपना जहर को स्प्रे कर देता है दूसरे की आँख में ठीक है आप कह सकते हो इस तरीके से यहाँ पर ये यह जो सांप है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर जहर को स्पिट भी कर देता है अपने आप को बचाने के लिए अपना एक डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है एक तरीके से आप कह सकते हो और यहाँ पर ये यह जो जहर है अगर किसी व्यक्ति के आंख में भी चला जाता है तो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है उस व्यक्ति के अंदर ये जहर फैलना चालू हो जाता है अब हम लोग कह सकते हैं कि एक देखो एक इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है रूरल एरियाज़ के अंदर जो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो जो गाँव वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं खासकर कौन कौन सी कंट्री के अंदर ये सबसे ज़्यादा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर एशिया ओशियाना और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं इन सारे रीजन्स के अंदर अगर हम बात करें जो ये सांप के काटने का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न वाला बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है रेगुलर देखने को मिलता है हम लोगों को उसके बाद मिलियंस ऑफ पीपल वहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और उन्हीं लोगों को आप देख पाओगे जो भी किसान हैं या फिर जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी जान जाती है सांप के काटने से क्योंकि वो लोग यहां पर वर्क करते हैं फ़ील्ड के अंदर और कहीं ना कहीं यहां पर ये मिस्टेकनली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इम्पैक्ट क्या है इसका तो देखो बहुत ज़्यादा स्नेक बाइट जो विक्टम्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे इससे बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एक तरीके से जहाँ पर काट लिया है उतना हिस्सा काटना पड़ जाता है ऐसी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं प्लस बहुत सारी डिस यानी कि वो बंदा अपाहिज हो जाता है ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं अगर हम बात करें मृत्यु की तो ये जो सांप एनविंग है इससे जो है डेथ कितनी होती है तो यहाँ पर डेथ बहुत ज़्यादा होती है दुनिया भर में अगर हम बात करें तो लगभग फाइव मिलियन स्नक बाइट्स पर अकर हुआ है मतलब साल में एक बार यहां सॉरी हर साल जो है इतना यहां पर स्नेक बाइट देखने को मिलता है जिसमें से आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों की डेथ होती है लगभग 81,410 से लेकर 1,37,880 डेथ्स होती हैं और आप कह सकते हो इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं जिनके अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो ऐसी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं सांप के काटने से बात करें इंडिया की तो इंडिया का जो एस्टिमेशन है वो ये बताता है कि लगभग अट्ठावन डेथ होती हैं हर साल सांप के काटने से तो यहाँ पे आप समझ सकते हो एक बहुत बड़ा नंबर है ये अगर हम बात करें यहाँ पर इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक रोड मैप है स्नक स्नेक बाइट एनवॉर्मेंट के लिए वो यहाँ पर रोड मैप क्या है कि डब्ल्यू एच ओ ने यहाँ पर लॉन्च किया है कि हम लोग यहाँ पे 2030 तक जो ये सांप के काटने से लोगों की मृत्यु हो रही है इसको कम से कम किया जाएगा कम से कम कैसे किया जाएगा एक एंटीविनमस बनाया जाएगा ठीक है यानी कि जो एक ऐसी चीज यहाँ पर मतलब मेडिसिन टाइप चीज़ है जो कि यहाँ पर एक तरीके से सांप के जहर को काट सकें और अब ऑबियस सी बात है सांप को काटने के लिए एक जो भी दवाइयां हैं वो भी सांप के जहर से ही बनती हैं ये सारी चीज़ें यहां पर देखने को मिल जाती हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पूरा प्लान है कि हम लोग एंटीविनम स्टॉक पाइल रखने वाले हैं और लोगों की जो जान है वो डेफिनेटली कम से कम यहाँ पर जाएगी सांप के काटने से एक ट्रीटमेंट चलाया जाएगा और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो भी जहाँ भी कंट्री सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वहां पर बेटर ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल दिया जाएगा एडुकेट करा जाएगा सारी कम्युनिटीज को ताकि जो है वो लोग अच्छे से जो है इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की जो जान है वो सांप के काटने से ना ही जाए तो ही बेटर है और उसके बाद इंडिया का क्या इनिशिएटिव है इंडिया देखो बहुत पहले से चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहा है कम्युनिटी अवेयरनेस फैलाई जा रही है हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी यहां पर बिल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है 2013 से ही लेकिन फिर भी यहां पर ये यह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं हम लोगों को कुछ और अलग से स्टेप उठाने पड़ेंगे चिंता वाली बात क्या है चिंता वाली बात यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर पूरी तरह से नॉलेज नहीं है इस सांप के काटने की को लेकर बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहां पर देखने को मिलती हैं प्लस लोगों

और ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी अगर हमें ये डेथ को कम करना है तो रिकमेंडेशन यही होगा कि जो ये स्नेक बाइट को लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो है इसके रिगार्डिंग हम लोग को हेल्थ सर्विस देना होगा हेल्थ सर्विस देना होगा लोग जो भी ग्रेजुएट होते हैं मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं उनको इंटर्नशिप करानी होगी उनको सिखाना होगा उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि हाँ भाई स्नेक बाइट का क्या सोल्यूशन है तो ये सारी चीज़ें हैं उसके बाद एक रिकमेंडेशन है मल्टी सेक्टरल अप्रोच की यहाँ पर आपको जो है हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा मतलब अलग अलग सेक्टर के ऊपर ध्यान देना होगा आपको जागरूकता फ्लान

तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो अगेन पीआईबी का आर्टिकल है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पोस्ट किया है कि गवर्नमेंट ने साइन कर लिया है लगभग टू फिफ्टी यूएस डॉलर्स का टू फिफ्टी यूएस मिलियन डॉलर्स का एक लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है और हम कह सकते हो कि ये जो पैसा है ये लगाया जाएगा डैम को डेवलप करने के लिए तो यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया टू फिफ्टी मिलियन डॉलर्स का जो लोन है एग्रीमेंट किया है किसके साथ वर्ल्ड बैंक के साथ, साथ? किसके लिए जो सेकेंड फेज होने वाला है ड्रिप का उसके लिए जो ड्रिप है ड्रिप मतलब आप समझना जाना ड्राम सॉरी डैम रिहेबिलेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इसको ड्रिप बोला गया है यानी जो बांध हैं उनको इम्प्रूव करने की बात करी गई है और एक तरीके से इसी का सेकंड फेज़ के ऊपर वर्क किया जाएगा फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है नाउ सेकंड फेज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो मैं आपको दो दोनों फेज़ के बारे में बता देता हूं ये जो फेज़ वन था ये क्या था भारत सरकार ने एक तरीके से फाइनेंशियल uh, असिस्टेंस दिया था वर्ल्ड बैंक के थ्रू यानी कि वर्ल्ड बैंक से काफ़ी सारा पैसों की मदद ली और फिर उसके बाद इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया कौन सा ड्रिप डैम रिहेबिलेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 2012 के अंदर इसका मेन फोकस यही था जितने भी डैम्स हैं जितने भी बांध हैं उनकी सेफ्टी और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सके ठीक है उसके बाद आप कह सकते हो जो स्टेट सेक्टर स्कीम हो गई आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक स्टेट सेक्टर स्कीम था सेंट्रल कंपोनेंट के साथ इन्होंने बहुत सारे डैम्स को जो है रिह किया लगभग 223 डैम्स थे जो कि सात राज्यों के अंदर लोकेटेड थे झारखंड कर्नाटका केरला मध्य प्रदेश ओडिशा तमिलनाडु उत्तराखंड के अंदर तो इनको इम्प्लीमेंट इनको एक तरीके से इम्प्रूव कर रहा है उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए थे पहले भी और जो ये स्कीम था ना ये पूरी तरह से बंद हो गई थी मार्च दो के अंदर मतलब फेज़ वन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे डैम्स को ूव क्या है लेकिन अब बात करते हैं फेज टू और फेज थ्री की अभी जो पैसा लिया गया है वो फेज टू के लिए के लिए लिया गया है नाउ यहाँ पर जो ये फेस टू है ये भी पूरा का पूरा ड्रिप के ऊपर बेस है यानी कि फेस वन के ऊपर बेस है जो भी हमारा डैम रिहेबिलेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इन्होंने यहाँ पर बोला कि और भी फंड्स लिया जाएगा फेस टू और फेस थ्री के लिए इस स्कीम को अप्रूव किया गया था अक्टूबर दो में और यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा लगभग उन्नीस राज्य होंगे तीन सेंट्रल एजेंसीज़ होंगी जो कि मिलकर काम करेंगी और यहाँ पर जो बजट है वो लगभग दस करोड़ रुपये यहाँ पर बोला गया है फेज़ टू का जो प्रोजेक्ट बजट है ठीक है आपको ध्यान देना है उसके बाद थ्री का जो बजट है वो यहां पर बोला गया है इक्यावन सौ चार करोड़ का मतलब जो ये फेज टू है ना ये दो पार्ट में होने वाला है फेज टू यहां पर आप का सकते हो कि फेज टू और फेज थ्री में देखने को मिलेगा ये टोटल बजट है इसमें इसका जो आधा पैसा है वो फेज़ टू के अंदर खर्च किया जाएगा और आधा पैसा है वो फ़ेज़ थ्री के अंदर खर्च किया जाएगा ताकि हम लोग डैम्स को इम्प्रूव कर सकें और लगभग 736 डैम को इम्प्रूव किया जाएगा तो ऐसा यहाँ पे बोला गया नाउ जो ड्रिप फेज़ टू है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें इसका फाइनेंसिंग पैटर्न हम लोग देखते हैं फेज़ टू जो स्कीम है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक से लगभग दो मिलियन डॉलर लिया गया है तो आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक ने मदद प्रोवाइड करवाई है साथ ही साथ जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसने मदद प्रोवाइड करवाई है क्वेश्चन आप लोगों से यह बनेगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताना और साथ ही साथ जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका भी हेडक्वार्टर बताना दोनों के हेडक्वार्टर्स कहां पर लोकेटेड हैं ये नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है देखो सिंपल सी बात है पैसा लिया जा रहा है डैम्स को इंप्रूव करने के लिए तो बार बार उसी चीज़ को दोहराया गया है जो डैम है जो बांध है उनकी सेफ्टी उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए डैम की सेफ्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये हैं कुछ और फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जो डैम की सेफ़्टी है वापस से हुई चीज़ें उसको मज़बूत करने के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी करी जाएंगी नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आई जाएंगी ताकि हम लोग डैम्स को और ज़्यादा मज़बूत बना सकें ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक रिस्क बेस्ड अप्रोच होगा यहाँ पर आप कह सकते हो कि इफेक्टिवली पैसे को लगाया जाएगा ताकि हम लोग डैम की सेफ्टी को ऊपर रख सकें इसको प्रायोरिटी के ऊपर रख सकें उसके बाद जो फ़्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है वो लगाए जाएंगे कोई बाढ़ वगैरह आती है तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग आप कह सकते हो एक हम लोगों को पहले से हम लोग उसकी भविष्यवाणी कर सकें फोरकास्टिंग कर सकें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी उसके बाद आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाएंगी ताकि जो है क्लाइमेट चेंज का जो पूरा का पूरा रिस्क है वो भी कम से कम किया जा सके तो ये पैसा इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च किया जाएगा नव इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा लागू किया जाएगा लगभग 120 डैम के ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे 120 डैम के ऊपर इसका, इसका इस्तेमाल किया जाएगा और कौन कौन से राज्यों के अंदर से छत्तीसगढ़ गुजरात केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय उड़ीसा राजस्थान तमिलनाडु इन सब जगह पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अब हम डैम्स को लेकर कुछ बात करते हैं हमारे भारत को लेकर और डैम्स को लेकर कुछ यहाँ पे कनेक्शन है इंडिया जो है दुनिया भर में तीसरी रैंक पर आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम है तो क्वेश्चन ये है कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम है वो है चाइना फिर उसके बाद है यू एस उसके बाद इंडिया आता है इंडिया के पास लगभग पाँच हज़ार तीन सौ बड़े बड़े डैम्स आपको देखने को मिल जाएंगे उसके अंदर अगर हम लोग जो और जोड़ दें तो चार डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो मतलब इंडिया थर्ड नंबर पर आ, थर्ड नंबर पर आता है जिसके पास सबसे ज़्यादा डैम है ओके और डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी अगर हम लोग बात करें वाटर सिक्योरिटी के लिए किसी भी कंट्री के अंदर साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज होता है फ़्लड्स हो गया या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पे डैम्स काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया फ्लड को कम करने के लिए मददगार हैं उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि देखो यार डैम को हमें नए नए डैम को बनाना पड़ रहा है इनको इम्प्रूव करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे जो डैम है वो हमारे बहुत पुराने हैं बहुत पुराने तो आप बात है बूढ़े हो चुके हैं कभी भी झटक जाएंगे बेकार हो जाएंगे और उससे क्या होगा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो उनको इंप्रूव करने की ज़रूरत है लगभग हज़ार बड़े बड़े डैम ऐसे हमारे जो कि 50 साल के हो जाएंगे 2025 के अंदर और आप कह सकते हो 50 साल के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत कमियां देखने को मिलेंगी तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस वजह से हम लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसके बाद क्या है जो ये डैम सेफ्टी का कल्चर है इसको हमें आगे बढ़ाकर रखना है कंट्री के अंदर इसके ऊपर भी फोकस करना है प्लस जो रोजगार है वो भी जनरेट हो रहा है लगातार जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स है ऑब्वियसली बात है जब हम कुछ ना कुछ काम करेंगे डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे डैम के अंदर इंप्रूवमेंट होगा तो लोगों की जरूरत होगी और उसके रोजगार भी बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ता हुआ नजर आएगा ओके धन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्रीकल्चर टॉपिक आपका स्टैंड करता है जीएस पेपर थ्री के अंदर अब यहाँ पर चर्चा हो रही है पीएम किसान के बारे में अब मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन ये पीआईबी का आर्टिकल है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज कर दिया है नवा इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान ये क्या है एक एक करके डिस्कस करेंगे तो न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नवी इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दी है पीएम किसान की पीएम एम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब आप कह सकते हो इंस्टॉलमेंट किस चीज़ की मतलब जो फार्मर्स हैं हमारे किसान भाई है उनको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे बैंक में उनके पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जा रहा है ओके पीएम किसान के बारे में आपको बता देता हूं देखो एक स्कीम है सेंटर uh, के अंदर में है, और यहां पर ये यह जो सेंटर है इसका फोकस ये है लगभग छः हज़ार रुपये हर साल जो है किसान को दिया जाए और तीन अलग अलग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये पैसा दिया जाएगा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिया जाएगा तो ऐसा बोला गया है तो उसी वजह से यहाँ पर जो टोटल पैसा है उसका नवा इंस्टॉलमेंट यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है सरकार के द्वारा और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में फंडिंग और इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहां पे जो 100 परसेंट फंडिंग है वो हमारी भारत सरकार प्रोवाइड करवा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में यह स्कीम चलाई जा रही है नाउ बात करते हैं बेनिफिशरीज की तो बेनिफिशरीज सारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो भी छोटे फार्मर्स हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं छोटे मोटे फार्मर्स हैं जिनकी इतनी इनकम हो नहीं पाती है उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाना उनको ये कुछ पैसा मिल जाएगा तो अपने खर्चे निकाल सकेंगे साथ ही साथ आप कर सकते हो जो जो पैसा वो लोग दूसरे से मांगते थे वो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ों को उनको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा ऐसा यहाँ पे बोला गया दाऊ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें बोली थी उसकी जो हाईलाइट्स हैं वो वे हैं आपको तीन पॉइंट देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली बातें आगे और भी पॉइंट्स हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक तरीके से इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए लॉन्च कर दिया है एक एन एम ई ओ ओ पी मतलब है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन अब क्या होगा हम अपनी कंट्री के अंदर जो एडिबल ऑयल है खाने वाला तेल है उसको हम अपने कंट्री के अंदर खुद प्रोड्यूस करेंगे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत सारी कंट्री से ये परचेस करते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना होगा और हम लोग अपनी कंट्री के अंदर इन ऑयल प्रोडक्शन करने वाले हैं उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है पीएम के द्वारा वो यह है कि देखो अब की बार क्या हुआ है एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है उसके बाद जो फार्मर्स हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू ऐसा यहाँ पर बोला गया उसके बाद जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा गया है और उसके बाद यहाँ पर उनको बहुत सारे बेनिफिट और भी मिलने वाले हैं आने वाले टाइम पर ऐसा यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला देखो फार्मर्स को लेकर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स सरकार के वो यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन के, के पर अभी हम लोगों ने देखा किसान और भी बहुत सारी स्कीम है जो कि फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए काम करती हैं जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस प्रोग्राम राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परंपरागत कृषि विकास योजना ये सारी ओके उसके बाद चलते हैं हम लोग कुछ शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर देखेंगे आज के शॉर्ट न्यूज़ को तो शॉर्ट न्यूज़ में पहला आर्टिकल आता है बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा को लेकर जो हमारे यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं इन्होंने एश्योर किया है कि यहाँ पर क्या होगा एस्टेब्लिश किया जाएगा पहला बायो बैंक ऑफ़ द वर्ल्ड इन आयुर्वेदा तो आपको ध्यान देना है दुनिया भर में ऐसा यहाँ पे पहले बैंक को जो है इस्टब्लिश किया जा रहा है और यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी अगर हम बात करें ये जो आयुर्वेदा है तरीके से ए आई ए ए यहाँ पर बोला जाए कहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा को ना ये जो ए आई आई ए है ये एक पब्लिक आयुर्वेदा मेडिसिन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि दहली के अंदर लोकेटेड है यहीं पर इस बैंक को बनाया जाएगा इस्टब्लिश किया जाएगा और यहाँ पे अगर हम बात करें जो इंस्टीट्यूशन है इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया था 2015 के अंदर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है इसका मेन फोकस यही है कि जो लोग यहाँ पे डिग्री लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया डॉक्टरल कोर्स हो गया तो यहाँ पर अलग अलग आयुर्वेदा सेक्टर के अंदर यहाँ पर डिग्रीज वगैरह प्रोवाइड करवाता है ये इंस्टीट्यूशन उसके बाद एक शॉर्ट आर्टिकल और है वो बात करता है यूबुआ के बारे में ठीक है e ई यू बी ओ -E ई ए यहाँ पे बोला गया है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइल्ड फायर देखने को मिला जंगलों के अंदर बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है और इन आग लगने की वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ चुका है ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है कहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत और भारत के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रीस ग्रीस से छोटा वाला जो एरिया है यहाँ पर यही है ये यह यूबिया ओके okay, तो ये है चर्चा में नाव यहाँ पर आप देख पाओगे ये ग्रीस का मैप देखने को मिलेगा यूबिया कहाँ पर है वो आपको यूबिया यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस वाले एरिया में जो है काफ़ी हद तक आग लग चुकी है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है लोकेशन मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली exactly दिखाई ही दी है ठीक है ये लोकेशन के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर इसकी लोकेशन है आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यहाँ पर लाइक करोगे वीडियो को सपोर्ट मिलेगा प्लस जो है वीडियो बहुत सारे लोग तक पहुँचेगा नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबा हैवे नाइस डे थैंक यू एंड जय हिंद